उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संभावित 3 फरवरी को मंडल मुख्यालय पौड़ी दौरे को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटा है। इसी के मद्देनजर आज जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री मंडल मुख्यालय दौरे के दौरान 450 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही वाराणसी स्टेडियम और देश के प्रथम CDS बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर 20,000 लोगों की पौड़ी पहुंचने की उम्मीद जताई गई है, जिनकी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही CM के यहाँ पहुंचने वाले लोगों के लिए लंच की व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। पौड़ी से संवाददाता मुकेश बछेती की रिपोर्ट। CM सर का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 3 तारीख की तिथि उसमें प्रस्तावित की गई, उसमें नारी सशक्तिकरण से संबंधित एक कार्यक्रम है, उसमें बड़ी संख्या में महिला प्रतिभागियों द्वारा या लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा और जो संख्या है लगभग 15,000 से 20,000 के आसपास का हमारा नंबर रहेगा और उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं और सकुशल और महिलाओं को किसी किस्म की समस्या का सामना न करना पड़े उसके लिए भी मेरी तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ड्यूटीज़ भी हमारी हो चुकी है और कंटिन्यूसली हम इसे मॉनिटर करें।